उंड लेक्चर टुडे वी आर गोन डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मास एंड वेट मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है क्या कॉन्सेप्ट होता है उस चीज को आज हम लोग इस लेक्चर में समझेंगे ओके सो लेट स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोन स्टडी अबाउट द मास मास क्या है सो सी आम जस्ट टेलिंग यू दैट वॉट इज मास And after that, I will tell you, give you the more information about the masses. And after that, I will tell you that how it is different from the weight. And actually, what is the difference? That what is that thing that differ that it is a mass or it is a weight. Okay. So chalo samastaya. Mass is what? It is the quantity of matter. कॉन्टेंड इन इट सो मास्क क्या होता है इट इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर मैटर मीन्स वॉट कोई मटेरियल like ये, लाइक ये कुछ मैटर मैटर से बना है प्लास्टिक से बना होगा कुछ थर्मो प्लास्टिक से बना होगा कुछ सटेन अंदर में कुछ एनोड एंड कैथोड कार्बन रॉड वगैरह होगा तो कहने का मतलब क्या है वॉट आई मीन टू टेल यूज दैट कि बहुत सारा मटेरियल से ये बना है ठीक है सो मास इज व्हाट क्वांटिटी ऑफ मैटर इसका क्वांटिटी क्वांटिटेटिव मेथड क्वांटिटी मींस व्हाट कितना है किस मटेरियल से बना है तो सर ये बना है सल्फर कितना सल्फर से बना है दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी तो इस तरीके से हम लोग मास को बता देंगे इट इज बी बट एक और चीज है मास जो है ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है सी इन द मोशन चैप्टर वी सी द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर फिजिक्स क्लास नाइन्थ इज द मोशन एंड दैट वॉज स्टॉट बाई मी ओनली तो मैंने वहां पर पढ़ाया था आई एम जस्ट टेकिंग अ रेफरेंस फ्रॉम दैट रेफरेंस पॉइंट मेरा वो है दैट वैक्टर क्वान्टिटी और स्केलर क्वांटिटी में मैंने डिफरेंस बताया था वैक्टर क्वान्टिटी इज अ क्वान्टिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एंड डिरेक्शन मतलब उसका वैल्यू भी होगा और उसका एक डिरेक्शन भी होगा और स्केलर क्वांटिटी क्या होता था ऑनली मैग्नीट्यूड कोई डिरेक्शन नहीं होता है बट मास का तो ऑब्वियसली हम लोग नहीं नहीं बोलते हैं देखो देखो दो के जी मास उधर जा रहा है ऐसे तो नहीं बोलते हैं ना कभी मार्केट में गए होगे कभी कोई दुकान में गए होगे तो हम लोग बोलते हैं कि आ, ओके अंकल जी सो जस्ट गिव मी टू के जी सुगर दो किलो चीनी गए लेने तो ऐसे नहीं ना कहते हो कि अंकल जी दो के जी जो शुगर आपने दिया वो कौन सा डिरेक्शन में अंकल जी जा रहे हैं अंकल जी राइट ला, ला, लेफ्ट ईस्ट वेस्ट ऐसे तो नहीं बोलते हो या ईस्ट में जा रहे हैं वेस्ट में जा रहे हैं ये मास का कोई डिरेक्शन तो नहीं बताते हो सर मैंने तो एक बार देखा था सर मैं लेफ्ट राइट -right करते हुए घूमते तो okay? तो कर घूमते ला रहे हो ऐसे आराम से मम्मी दी एक किलो चीनी लाने के लिए वन के जी और तुम उसको ऐसे ऐसे घुमाते ला रहे डिरेक्शन तो है सर देखिए सर मैं मास्क को इधर उधर घुमा दे रहा हूं वो डिरेक्शन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट नहीं है वो डिरेक्शन ऑफ जो पहली बात तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और तुम फोर्स लगा रहे हो ऐसे ऐसे तो वो फोर्स का डिरेक्शन है मैं, वो क्वांटिटी का डिरेक्शन नहीं है समझ में आ गया होगा यस yes, सर आ गया सो मास इज़ इट इज इज़ स्केलर क्वांटिटी नेक्स्ट थिंग इसका बाद में बात करेंगे हम लोग इसके बारे में दैट अबाउट इट्स यूनिट वॉट इज इट्स यूनिट तो मास का यूनिट सबको पता स्टैंडर्ड यूनिट इज के जी ग्राम भी होता है वन के में थाउजेंड ग्राम्स होते हैं बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्मॉलेस्ट यूनिट ओके आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्टैंडर्ड यूनिट मास का स्टैंडर्ड यूनिट होता है के जैसे लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट होता है मीटर और टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है आई होप सो यू ऑल नो सेकेंड सो ये हो गया ऑल द कॉन्सेप्ट अबाउट द मास कि मास क्या है मास का क्वांटिटी क्या है स्केलर क्वांटिटी मीन्स वॉट ओनली मैग्नीट्यूड ओनली मैग्निट्यूड नो डिरेक्शन ओनली मैग्नेट्यूड नो डिरेक्शन सो दैट इज योर स्केलर क्वांटिटी एंड यूनिट इज के जी एंड दिस इज दर्ट डिफिनेशन ऑफ मास मास का परिभाषा है डिफिनेशन है सो नाउ आई एम गोना स्पीक और आई एम गोना वी गोना टॉक अबाउट द वेट अब हम लोग वेट के बारे में समझेंगे डब्ल्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं सो सी बाई डेफिनेशन बाई डेफिनेशन हम लोग बोलते हैं सर वेट इज इक्वल टू मास इंटू एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग क्या बोलते हैं वेट मास इंटू एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब क्या कह रहे हैं जो हम लोग कोई भी एक हमने जो बोला like, वन लाइक वन के जी शुगर लिए मगर अगर उसका हम वेट के फॉर्म में बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं नीचे डिरेक्शन में नहीं लग रहा है नीचे डिरेक्शन हाँ सर नीचे डिरेक्शन में तो लग रहा है सो दैट्स वाई वेट जो है वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और जो इसका यूनिट होता है वो उसका यूनिट होता है न्यूटन फोर्स का जो यूनिट होता है वही वेट का यूनिट होता है और फोर्स का डिरेक्शन होता है फोर्स का डिरेक्शन होता है दैट्स वाई वेट का भी डिरेक्शन होता है नॉर्मली इट एक्ट ऑन वर्टिकली डाउनवर्ड डिरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड डिरेक्शन ओके सो दैट इज योर डिरेक्शन मैंने डायरेक्शन को भी नोटिफाई किया नाउ टेल मी वन थिंग अगर कोई पूछे इफ यू डोट नो दिस फॉर्मूला दैट वेदर वेट डिपेंड ऑन एसेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी और नॉट वेट डिपेंड ऑन स्मॉल जी और नॉट सो तुम क्या आंसर दोगे वेट का फॉर्मूला होता है एम इन टू जी इट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन जी वेरी इंपॉर्टेंट एक बार ओलंपियाड में आया हुआ क्वेश्चन है ये वेट ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन जी जो स्मॉल जी है उस पर वो डिपेंड करता है दैट्स वैल्यू इज 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बट आई टॉट यू दैट वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट The equation of motion for free falling object or for free falling body so while we will discussing that we uh, we should know that while we are throwing that particle in the downward direction or the motion is in downward direction then acceleration due to gravity should be positive g is equal to +9.81 meter per second square and if the motion will be upward vertically upward direction

वो देगा कि अच्छा ये ऊपर क्यों नहीं गया ये नीचे ही क्यों गया सो दैट ऑफ न्यूटन सर आई न्यूटन तो उन्होंने क्या सोचा उन्होंने बताया दैट एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डिरेक्शन हमेशा नेगेटिव नीचे ही होगा मगर बट वेल वी आर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल इन द इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग ने एक कॉन्सेप्ट को डेवलप किया दैट इज कॉल्ड थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट ठीक है तो वहां पे हम लोग ने बोले कि एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन नीचे होता है ओके okay भैया मेरे को कोई दिक्कत नहीं है बट द प्रॉब्लम इज दैट अगर मोशन भी उसी डायरेक्शन में हो तो मतलब मैं पार्टिकल्स को मैं नीचे भी फेंक सकता हूं ऊपर भी फेंक सकता हूं दैट्स ऑल ऑन माई हैंड सो अगर मैं कोई भी पार्टिकल को नीचे फेंकता हूं तो उस समय जो मोशन का इक्वेशन होता है वो थोड़ा प्रोडक्टिव आ जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट उसमें क्या होता है एक्सीन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इसीलिए हम लोग एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव रखते हैं बस और जब ऊपर फेंकोगे तो एक्सीन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव रखते हैं वाई क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट में फेंके हो तुम ऊपर फेंके हो बॉल को या पार्टिकल्स को या तुमको ही मैं उठा के फेंक दिया तो मैं तुमको ऊपर फेंक रहा हूं ओके सर तो अब तुमको अच्छे से क्लियर हो गया होगा वट इज द डिफरेंस बिट्वीन मास एंड वेट एंड सेकेंड थिंग इक्वेशन ऑफ मोशन में कैसे हम लोग एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग जस्टिफाई करते हैं सो इट इज अन्सेप्ट ऑफ वेट फर्स्ट ऑफ ऑल बाई डेफिनेशन डब्ल्यूज टू एम इन टू जी वेक्टर क्वांटिटी यूनिट न्यूटन होता है डाउनवर्ड डिरेक्शन होता है इसका और जो वेट ऑफ जो बॉडी है वो डैट डिपेंड ऑन स्मॉल जी दैट इज एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड योर मास इज वॉट it is a quantity of matter contained in it. Kitna matter contained kia. and second thing will be what? it is a scalar quantity. means only magnitude, no direction. and unit is kg. so i hope so you the whole concept of mass and, and weight is clear to you people. so first of all, write it down up to here. after that, we are going to move on to the next topic. so write it down. thrust and the pressure that what is thrust what is pressure and the numerical on the basis of it so let's start from the pressure pressure small notation p and what is pressure everything we are going to discuss today so see pressure hai kya इट डेफिनेशन विल भी इट इज दोर्स पर यूनिट एरिया एक्टिंग ऑन अ बॉडी तो देखो प्रेशर क्या है फोर्स एक्टिंग यूनिट एरिया थर्स्ट क्या है बाद में समझेंगे पहले भी प्रेशर को समझो प्रेशर इज वॉट फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया कितना एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रेशर आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग ये क्या है प्रेशर का जो यूनिट होता है इट्स यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल तुम लोग बहुत बार सुनते हो गए सर पास्कल 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 वॉट इज पास्कल सो वन पास्कल इज इक्वल टू वन पास्कल इज इक्वल टू वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल बोलते हैं पास्कल इज यूनिट ऑफ प्रेशर तो होता क्या है सी आई एम टेलिंग यू एग्जाम्पल दिस इज क्यूबिकल वुडन बॉक्स और हो क्या रहा है आई एम स्टैंडिंग ओवर एयर और इस जो ये जो एरिया है इस एरिया पे मैं यहां पे प्रेशर लगा रहा हूं कुछ सर्टेन प्रेशर कुछ प्रेशर लगा रहा हूं मैं खड़ा हो गया इस बॉक्स पे तो जब मैं इस बॉक्स पे खड़ा हो गया तो जो मेरा माय लेग और सो माय लेग वॉट डूइंग दैट इट अप्लाइज द प्रेशर अपर साइड और द अपर डायमेंशन ऑफ द वुडन बॉक्स प्रेशर लगा रहा है तो कहने का मतलब कि प्रेशर कैसे लगा रहे हैं फोर्स ऑन ऑन द लेवल ग्राउंड और ऑन द लेवल रूम मैं एग्जाम्पल में यहां हूं और मैं यहां पर फोर्स लगा रहा हूँ इट मीन व फोर्स फोर्स मैं कहा लगा रहा हूं ऑन माई एरिया एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर कोई भी शेप का एक एरिया पे तो फोर्स मैं एरिया में लगा रहा हूं फोर्स एरिया में लगा रहा हूं फोर्स एरिया में लगा रहा हूं तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कल प्रेशर फोर्स एरिया में लगा रहा हूं तो अब कहने का मतलब क्या है फॉर्मूला फॉर्मूला विल बी प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया तो मेरे को एक चीज बताओ अगर स्मॉलर एरिया रहेगा तो प्रेशर ज्यादा होगा कि कम अगर एरिया कम रहेगा तो प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ठीक है कि नहीं सी प्रेशर का जो सामने रहेगा दैट इज व्हाट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया और प्रेशर के ये जो नीचे में रहेगा इट्स कल न्यूमिनेटर इट्स कल डिनोमिनेटर तो ये इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया सो इफ स्मॉलर एरिया मोर प्रेशर कॉस्ट एंड इफ लार्जर एरिया स्मॉलर प्रेशर कॉज तो अगर एरिया बड़ा है तो प्रेशर जो होगा वो कम लगेगा सर कैसे मेरे को तो फील ही नहीं हो रहा सर तो मैं बताता हूं सर क्या एक नेल लो ओके नो नेल एक नेल ले लो जो हम लोग लाइक हम लोग जो वाइल्ड यू कैन टेक एग्जांपल दैट इफ यू विल टेक ए स्मॉल नेल ओके तो तुम क्या करो उसको यहां पे प्रेशर लगाओ उससे अपना हैंड लो उसमें स्मॉल ज्यादा मत घुसा देना थोड़ा सा प्रेशर लगाओ तो मेरे को बताओ जो नेल है तुम्हारा ओके उसका एरिया तो बहुत पतला है एकदम तेज या कोई पिन है पिन ले लो कोई पतला है, जिसको हम कांटी भी हम लोग बोलते हैं तो वो अगर ले लो उसका एरिया एकदम पतला होता है उसको यहां पर लगाओ और मेरे को बताओ तुमको प्रेशर ज्यादा फील हो रहा है कि कम फील हो रहा है तो तुम बोलोगे सर सर प्रेशर तो ज्यादा फील हो रहा है सर हम बोले ठीक है रहने दो हम बोलेंगे कि कुछ ऐसा चीज ले लो ये अपना पंच ले लो जिसका एरिया ज्यादा है नील का तो इतना एरिया है इसका एरिया ज्यादा है हम बोले अब इसको पंच करो क्या पेन हो रहा है प्रेशर ज्यादा फील हो रहा है तुम बोलोगे नहीं सर इट मीन्स दैट अगर एरिया स्मॉलर है लाइक like, सी इसका एरिया मेरा एग्जाम्पल ले लो और इसका एरिया तो अगर मैं इससे इसको प्रेस करता हूं ना अपने हैंड को तो मेरे को ज्यादा प्रेशर फील होगा ओके और मैं इससे प्रेस करता हूं तो मेरे को देखो यहां पे मेरे को कुछ फील ही नहीं हो रहा है कोई प्रेशर नहीं फील हो रहा है मींस व्हाट लार्जर एरिया एरिया स्मॉलर प्रेशर बड़ा है तो प्रेशर ही नहीं लगेगा ना सर क्यों नहीं लगेगा सर अरे एरिया अगर बड़ा लग, तुम ले रहे हो इफ यू आर टेकिंग लाइक सी एक ये और मैं एक छोटा एरिया लेता हूं दोनों जगह हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं दोनों जगह हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं वी आर अपला फोर्स

बोथ द एरिया बट द एरिया एरिया है ट्वेंटी मीटर स्क्वायर इसका एरिया है फाइव मीटर स्क्वायर किसमें ज़्यादा प्रेशर लगना चाहिए? किसमें ज्यादा प्रेशर लगना चाहिए तुम लोग बोलोगे सर आपने फॉर्मूला बताया जिसका एरिया बड़ा उसमें प्रेशर कम तो इसमें प्रेशर कम लगेगा सर और इसमें प्रेशर ज्यादा लगेगा सर तो अब मैं बताऊंगा फील करो क्या करो फील करो बच्चों सर क्या फील करें देखो क्यों इसमें कम प्रेशर आ रहा है फॉर्मूला तो ठीक है क्यों क्योंकि जब तुम लोड लगा रहे हो ना तो ये इतना बड़ा एरिया जो है ना ये वो लोड को ले पा रहा है इतना बड़ा एरिया है लोड ले लाइक एग्जाम्पल इफ आई एम अ 500 हंड्रेड अगर मैं पांच सौ किलो का हूं और मेरे को सौ दो सौ किलो का वेट दे दोगे तो मैं ऐसे ही उठा के चल दूंगा बट मैं अगर तुमको बोलूं दो कि सौ किलो का वेट उठाओ मतलब तुम्हारा वेट मैं एग्जाम्पल करता हूं कि साठ सत्तर किलो का होगा एवरेज नॉर्मल मैं ले रहा हूं एवरेज ले रहा हूं मैं आई एम टेकिंग टेकिंग्यूमुलेटिव वैल्यू अगर किसी का सौ है या किसी का चालीस ही है तो माइंड मत करना तो मैं एवरेज अगर लेके चलता हूं इट मीन्स दैट तुमको बोलू मैं 200 किलो उठा उठा पाओगे क्यों तुम्हारा एरिया

तो यहां पे हर जगह फैला तो प्रेशर कम फील हुआ यहां पे प्रेशर हर जगह नहीं फैला तो प्रेशर कम फील हुआ बस यही डिफरेंस है प्रेशर कम बेसिका और कुछ नहीं है आई होप सो दैट एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन स्मॉलर एरिया लार्जर एरिया मोर प्रेशर लेस प्रेशर फॉर्मूला आफ्टर दैट वॉट इज द यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी बोलते हैं आफ्टर दैट वन पास्कल इज इक्वल टू वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आई हैव डिस्कस्ड अप टू हियर

पेंडिकुलर टू दर्फेस मतलब मैं एग्जाम्पल अभी दूंगा तुरंत क्लियर हो जाएगा बोलोगे सर अच्छा ये था क्या मान लो ये दोनों एक ये दोनों कोई एक सरफेस है ठीक है और मैं यहां पे क्या कर रहा हूं मैं दोनों जगह लोड लगा रहा हूं यहां पे भी लोड लगा रहा हूं और यहां पे लोड लगा रहा हूं तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं नाइनटी डिग्री लोड लगा रहा हूँ यहां पे मैं कुछ थर्टी डिग्री एंगल लोड मतलब फोर्स लगा रहा हूँ फोर्स सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ये क्या होगा एरिया इसका एरिया ए वन इसका एरिया ए टू ए वन का वैल्यू एग्जाम्पल ले लो थ्री मीटर स्क्वायर इसका फाइव पॉइंट फोर मीटर स्क्वायर तो एक फोर्स हम यहां भी लगाएं जो परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ये क्या है ए वन ये है क्या ये एक सरफेस ही तो है ये ए टू क्या एक सरफेस ही तो है ये एक सरफेस है रेक्टेंगुलर uh, सरफेस समझ लो सो व्हाट आई मीन टू टेल यू इज दैट देखो अब ये क्लियर हो जाएगा तुरंत सर अभी के अभी फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर इट मींस थ्रस्ट फोर्स कोई भी एंगल पे परपेंडिकुलर लगे या कोई भी एंगल पे नॉट सॉर्ट एन एंगल प्रेशर थ्रस्ट में थ्रस्ट में हमेशा फोर्स 90 डिग्री आएगा मगर प्रेशर इसको भी प्रेशर बोल सकते हैं थ्रस्ट को भी प्रेशर बोल सकते हैं इसको थ्रस्ट भी बोल सकते हैं या इसको प्रेशर भी बोल सकते हैं सी अगर फोर्स परपेंडिकुलर लगेगा सरफेस के तभी थ्रस्ट बोलेंगे मगर प्रेशर जो है वो परपेंडिकुलर लगे या ना लगे परपेंडिकुलर लगेगा तो भी प्रेशर बोलेंगे नहीं लगेगा तो भी पर जैसे देखो यहां परपेंडिकुलर नहीं लग रहा है, फिर भी प्रेशर यहां परपेंडिकुलर लग रहा है फिर भी प्रेशर मगर थ्रस्ट जो है वो हमेशा तभी होगा थ्रस्ट बोलेंगे जब परपेंडिकुलर लगेगा तो मैं एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट दे देता हूं नोट के फॉर्म में सी प्रेशर एंड थ्रस्ट कैन बी इक्वल बट कंडीशन इज थ्रस्ट कैन ओनली बी सेड वाइल वाइल लोडिंग लोडिंग मतलब वही फोर्स लगाना है इसको बोलते हैं लोडिंग वाइल लोडिंग इज परपेंडिकुलर वाइल लोडिंग इज परपेंडिकुलर सो वट आई मीन टू टेल यू दैट नहीं रहेगा तो हम लोग प्रेशर ही बोलेंगे और क्या प्रेशर और थ्रस्ट इक्वल हो सकता है इन यूर एग्जामिनेशन डेफिनेटली दिस क्वेश्चन एंड थ्रस्ट कैन भी इक्वल बट द कंडीशन इज दैट थ्रस्ट विल ओनली कम इन पिक्चर वेन देयर विल बी परपेंडिकुलर फोर्स मतलब फोर्स सरफेस पे परपेंडिकुलर लगेगा परपेंडिकुलर मतलब एंगल जो होगा मतलब फोर्स का और सरफेस का वो नाइन्टी डिग्री एंगल होगा देखो ऐसे नाइन्टी डिग्री एंगल होगा ऐसा नहीं कि फोर्स ऐसे लगेगा ऐसे लगेगा नहीं लगेगा सो आई थिंक दैट पूरा कहानी मैंने बता दिया थ्रस्ट क्या है प्रेशर क्या है क्या डिफरेंस है नहीं है एवरी थिंग आई एव डिस्कस्ट सब कुछ बता दिया अब क्या सर आप इतना ही बताओगे नहीं एक न्यूमेरिकल भी बताऊंगा कि फॉर्मूला को एक बार अप्लाई करना सीख लो बस और कुछ नहीं है सी व्हाट इज गिवन कैलकुलेट द थ्रस्ट थ्रस्ट निकालना है ठीक है वी कैलकुलेट द थ्रस्ट थ्रस्ट इज व्हाट फॉर्मूला सेम ही रहेगा थ्रस्ट का थ्रस्ट हो या प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया ही होता है सो आवर बॉडी मास मास कितना है मास

इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स और जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो जो एसिलेशन होगा वो हमेशा हमेशा एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा सर ऐसा क्यों होगा मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था एसिलेशन मतलब क्या होता है यूनिफॉर्म एसिलेशन तो यूनिफॉर्म एसिलेशन तब एक्ट होगा जब कोई लाइक नॉर्मल फोर्स एक्ट होगा मतलब जैसे लाइक uh, मोमेंटम like में कोई जो फोर्स लग रहा है सो नॉर्मल चला, चला so, उस समय जो फोर्स लगेगा एसिलेशन नॉर्मल मगर जब भी कोई भी चीज ग्रेविटी के अगेंस्ट मतलब तुम इधर उसको फेंक रहे हो या ऊपर फेंक रहे हो या नीचे फेंक रहे हो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जब भी तो उस समय एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही होगा एरिया क्या है तो एरिया है तुम्हारा ट्वेल्व मीटर स्क्वायर तो अब देखो मास भी गिवेन है जी बी की बेना है तो फोर्स क्या होगा फोर्स क्या होता है एम ए बी होता है सेकेंड लॉ या एम जी बी होता है तो मास क्या है ट्वेल्व टी एंड आफ्टर दैट मासिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट वन बट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट नाइन पॉइंट एट वन यू कैन टेक इन एज अ टेन तुम उसको दस भी ले सकते हो एंड यू कैन टेक नाइन पॉइंट एट वन ऑल्सो बट आई एम टेकिंग माई ईजी कैलकुलेशन आई एम टेकिंग टेन आई कैन टेक टेन

थ्रस्ट और प्रेशर का फॉर्मूला सेम ही होगा बस फर्क ये होता है कि थ्रस्ट जो होता है वो परपेंडिकुलर लगता है सरफेस का और जो प्रेशर होता है वो कैसे भी लग सकता है सो दैट इज जस्ट अ डिफरेंस एवरीथिंग एवरी थिंग सेम सो आई होप सो दैट थ्रस्ट यू हैव टू कैलकुलेट द थ्रस्ट योर मास मासन ड्यू टू ग्रेविटी ये तो पता है कॉन्स्टेंट हमेशा रहता है नाइन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे आया सर फॉर्मूला जी इज इकल टू जी एम बाई आर स्क्वायर वर्ट दैल्यू ऑफ जी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू ट्वेंटी माइनस इलेवन एम मास ऑफ ऑर्थ सिक्स पॉइंट फोर इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी फोर एंड आर सिक्स पॉइंट फोर इंटू टेन टू दावर सिक्स तो इस कैलकुलेशन से हम लोग एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कैलकुलेट करते हैं दैट आई हैव ऑल्सो डिस्कस्ड सो राइट इट डाउन अप टू हियर